दोस्तों, मैंने आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस पे बहुत सारी जो है वीडियो बना रखी है कि ये मूवी कितना ज्यादा हिट कर पाएगी अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। लेकिन अब दोस्तों एक ऐसा कंफर्मेशन आ चुका है कि अब जो है इसका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाता है कि ये मूवी जो है 1000 करोड़ से ऊपर कमाएगी। क्योंकि दोस्तों अभी जो है रिलीज से पहले ही ये न्यूज आ रहा है कि आदि पुरुष ने 432 करोड़ का रेवेन्यू जो जनरेट कर दिया है। अब दोस्तों ये कैसे किया है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जब से इसका टीजर आया था तब से ये लग रहा था कि इसका जो है सब लोग जो OTT राइट्स है ये सब जो है बहुत ही कम दामों में बिकेगा। लेकिन अब जो है जब इसका ट्रेलर आ गया है तो उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपना जो है सैटेलाइट राइट्स जो है इन्होंने 247 करोड़ में जो है बेच दिया है। और इससे पहले दोस्तों जवान मूवी थी उसने जो है 250 करोड़ में अपना जो है सैटेलाइट राइट जो है बेचा था। और दोस्तों जितने भी राम सिया राम और बहुत सारी म्यूजिक आई है उसका भी जो है राइट बेचने के बाद और भी ज्यादा कलेक्शन जो है इसमें जुड़ गया है। और जो है इसका जो है 185 करोड़ जो है साउथ थियेटिकली रेवेन्यू जो है आ चुका है और बहुत सारे सोर्सेस से जो है इसका कलेक्शन जो है अब निकल के बाहर आ रहा है। तो इस ये चीज देखने के बाद दोस्तों ये लग रहा है कि इस मूवी का बहुत ही टॉप लेवल पे जाना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ही 500 करोड़ का रेवेन्यू जो है जनरेट हो गया है। अब दोस्तों बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गया है कि अब जो ये मूवी और ज्यादा अच्छा कर पाएगी और 1000 करोड़ से ज्यादा जो है इसका जो है कलेक्शन ऊपर जाएगा। इसके कलेक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो जाके आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब जो है पॉसिबिलिटी जो है और ज्यादा बढ़ चुका है। अभी तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे राइट्स है जो की लैंग्वेज के होते हैं, वो सब राइट्स भी अभी बिकना बाकी है। तो अगर वो बिकेगा तो और इसका जो है प्राइस जो इंक्रीज होता जाएगा। तो दोस्तों यही छोटा सा न्यूज था, आप लोगों को बताना था जितने भी आदि पुरुष के फैन है, प्रभास के फैन है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।